ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गुड इवनिंग, वीडियो को लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में कुछ, और कुछ वर्ल्ड के बारे में, जीके, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके। तो थोड़ा जो है भारत, भारत के कुछ पुराने नाम हैं और नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है वो, हिंद, हिंदुस्तान, हिंद हिंदुस्तान, आर्यव्रत, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, 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 हिंद हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप और क्या है आपका, इंडिया, इंडिया। तो इसे अदर दूसरे नामों से, कौन कौन से नामों से जाना जाता है भारत को, हिंद हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप और इंडिया। हिंदुस्तान कौन से उसका भाग है, अंगारलैंड या गोडवाना लैंड का। अगर क्वेश्चन आता आपका हिंदुस्तान गोडवाना लैंड का हिस्सा है या अंगारा लैंड का या गोडवाना लैंड का, तो यह है आपका गोडवाना लैंड का, गोडवाना लैंड, ये गोडवाना लैंड का हिस्सा है, गोडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत क्षेत्रफल यहां पर लिखिए, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में कितना है, सातवें स्थान पर है विश्व में, लिख देता हूं यहां पे, विश्व में सातवां बड़ा देश। इसका क्षेत्रफल कितना है, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। तो पहले पर कौन है, तो प्रथम है रूस, रसिया, दूसरे में क्या है, द्वितीय है कनाडा। अब बात करें हम इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या में सेकंड स्थान पर है, सेकंड पैलेस यानी कि दूसरे नंबर पर है। तो लगभग इसकी जनसंख्या है कितनी, 138 करोड़, लगभग 138 करोड़। तो प्रथम है चाइना, किस पर, जनसंख्या में, और प्रथम पर कौन है चीन। अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी। तो अब क्या है इसकी करंट में राजधानी, दिल्ली। और पुरानी की बात करें हम इसकी राजधानी की, पुरानी राजधानी क्या है इसकी, वो थी कोलकाता, वो क्या थी, कोलकाता। तो ये आपकी, अच्छा सबसे पहले जब आपकी कोलकाता थी तो यहां पर घोषणा की गई दिल्ली दरबार में, कहां पर, दिल्ली दरबार में, दिल्ली, यहां लिख देता हूं मैं, दिल्ली दरबार में क्या की गई, घोषणा की गई कि अभी भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और यह घोषणा कब हुई, 12 दिसंबर
12 दिसंबर 1911 को, कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा हुई क्या कि अब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली होगी। अब यहां घोषणा तो हो गई, लेकिन ये राजधानी बनी कब है आपकी? ये राजधानी बनी कब है? 13 फरवरी 1931 को ये भारत की राजधानी बनी। ये भारत की राजधानी बनी। अब हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, ये आजाद कब हुआ ब्रिटिश सरकार से? ये आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ये गणराज्य हिंदुस्तान या भारत गणराज्य कब घोषित किया गया? गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को ये गणराज्य घोषित किया गया। यहां पर अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर केंद्र की सरकार है। अच्छा, नया जो अब करंट में अभी बना था, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है हमारा, जम्मू कश्मीर वह कब से बना है? वह बना हमारा 2019 से, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना हमारा, वह 2019 से बना है। कब से बना है? 2019 से। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ था या कब अपनी आजादी मनाता है? एक दिन पहले, 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। चलो अब बात करते हैं भारत यूरोप का हिस्सा है या एशिया का? तो भारत किसका हिस्सा है? एशिया का हिस्सा है। और ये एशिया में कौन सा हिस्सा है, किधर का हिस्सा है? तो दक्षिण। कौन सा? दक्षिण का पार्ट है, एशिया का दक्षिण का पार्ट है, दक्षिण का देश है। अच्छा, चलो मैं एक बार बोल देता हूँ, इसके अन्य नाम क्या है? हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और इंडिया। भारत कौन कहाँ का हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। विश्व में सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल से, और क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,87,263 किलोमीटर। इसमें क्षेत्रफल में प्रथम कौन है? रूस और द्वितीय कनाडा। और ये कौन से उसका हिस्सा है? एशिया का, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। छोटा कौन सा है? छोटा है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में एशिया सबसे बड़ा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और जनसंख्या में भी क्या है? ये बड़ा है, एशिया बड़ा है। क्या है? एशिया बड़ा है। लेकिन
छोटा क्या है, छोटा जनसंख्या इसमें, जनसंख्या में तो वो है अटलांटिका। आपका कौन सा है वो छोटा है? अटलांटिक। अटलांटिका तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका अटलांटिका। और ठीक है पार्ट ये आपका विश्व में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड पहले इस पर है, दूसरे स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 138 करोड़ के आसपास है। प्रथम पर कौन है? चीन है। जनसंख्या में प्रथम पर कौन है? चीन है, चाइना। और राजधानी भारत की क्या है? दिल्ली। जो कब बनी थी? 13 फरवरी 1931 को। पुरानी राजधानी क्या थी? कोलकाता। और ये इसकी घोषणा कब हुई दिल्ली की बनने की? दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को। ये आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और गणराज्य कब घोषित किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। 28 इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर कब से केंद्र शासित राज्य है? 2019 से। कब से? 2019 से। तो हिंदुस्तान भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। कहाँ कहाँ? चलो इन्हें मैं ऊपर के मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा और याद भी है। तो तीन ओर से घिरा है, तो अगर इस तरह से हम बना देते हैं तो हिंद, यहां पर हिंद, हिंद महासागर। इधर क्या है आपका? अरब सागर यानी कि पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, इधर क्या है? बंगाली खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यानी कि दक्षिण पूर्व में क्या है? बंगाली खाड़ी। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और आपका पश्चिम में क्या है? अरब महासागर। क्या है? अरब महासागर। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर क्या है विश्व का? सबसे बड़ा महासागर मैं यहां पर लिख देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर। अच्छा, विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और क्या कहें कि सबसे गहरा कौन सा है? सबसे गहरा भी कौन सा है? प्रशांत महासागर ही सबसे गहरा महासागर है। अच्छा, भारत कितने देशों से सीमा लगाता है? तो 6 देशों से सीमा लगाता है। कितने देशों से सीमा लगाता है भारत? 6 देशों से। 6 देश सीमा कौन कौन से? पाक चीन और नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। अच्छा, सबसे लंबी सीमा लगाता है बांग्लादेश के साथ। सबसे अधिक जो सीमा लगाता है भारत, ये किसके साथ लगाता है आपका? बांग्लादेश के साथ लगाता है। किसके साथ लगाता है? बांग्लादेश के साथ लगाता है। और बांग्लादेश
कि लगभग सीमा कितनी कितनी लगाता है, कितनी लगाता है, 4096.7 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग इतनी सीमा इसकी बांग्लादेश के साथ लगती है। अच्छा, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? सबसे कम सीमा किसके साथ लगाता है? भूटान के साथ। सबसे कम और सबसे अधिक? सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ, सबसे कम जो है भूटान के साथ लगाता है सीमा। अच्छा, सबसे कम ये है कितनी लगभग? ये है आपकी सबसे कम जो है कितनी है, 699 किलोमीटर। अच्छा, ये लगात है तो सबसे कम अफगानिस्तान की, लेकिन वो सातवां देश है, लेकिन जिस हिस्से, जिस जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान आके सीमा लगाता है, वह आज पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान के कब्जे में होने के कारण ये जो है इसे नहीं, हम इसे रहेंगे, क्योंकि वह पाकिस्तान के कब्जे में है जम्मू कश्मीर, जिससे अफगानिस्तान सीमा लगाता है 100 कुछ किलोमीटर के, आपकी कितने के लगभग है वो मैं बता देता हूँ, जो अफगानिस्तान लगाता है 106 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? 106 किलोमीटर के आसपास है, किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका तो रिवीजन मैंने करा दिया था आपको। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, गहरा भी प्रशांत महासागर है, और भारत को तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, और इधर दक्षिण पूर्व में आपका बंगाली खाड़ी, और 6 देशों से यह सीमा लगाता है। कौन कौन से? आपके पाक है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान से लगाता है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर का कहाँ पर है पार्ट? वो आपका पाकिस्तान के कब्जे में है। सबसे अधिक आपके बांग्लादेश से लगाता है, जो 4096.7 इतने के किलोमीटर की स्क्वायर के आसपास है, और 699 किलोमीटर भूटान से लगाता है लगभग। चलिए, ये हुआ आपका। अच्छा, ये और बता दूं मैं कि इसको जो हिंदुस्तान को चीन से अलग करता है वो कौन सी लाइन है? वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा या लाइन। और पाकिस्तान से जो अलग करता है वो करता है आपका रेड क्लिफ रेखा। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा। अच्छा बच्चों, बाकी पढ़ेंगे हम दूसरी वीडियो में, पार्ट 2 में, इंडियन जीके पार्ट 2।